ओके सो ऑल राइट गाइज, हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो गाइज अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि आप टिकटॉक के बैकग्राउंड को किस तरीके से ब्लर कर सकते हो। तो गाइज मैंने उसमें आपको एक सिंपली एक फिल्टर के बारे में बताया था जो कि नया नया आया था दोस्तों, और कुछ फोन्स के लिए वो अवेलेबल था। तो दोस्तों मैंने उस पर दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया, ट्यूटोरियल दिया, और उस वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी प्यारा सपोर्ट दिया। लेकिन उसमें कमेंट में दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि भाई मेरे स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा स्मार्टफोन का ये मॉडल है, मेरे स्मार्टफोन का वो मॉडल है, और मेरा इंस्टाग्राम भी डीएम से भरा पड़ा हुआ इसी तरीके के मैसेज से कि भाई मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनली यार मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यार प्रोफेशनली जो है अपने टिकटॉक के बैकग्राउंड को जो वो ब्लर कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप जो है आप तो ऑब्जेक्ट है, यानी आप पीछे का जो आपका जो पूरा ये है सिनेरियो है वो किस तरीके से आप ब्लर कर सकते हैं। एक ही ऐप बताऊंगा उससे आपका सारा काम हो जाएगा दोस्तों, और काफ़ी तगड़ी ऐप है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये खोज करके लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत सेटिंग मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन में एक रेयर कैमरा होता है और एक सेल्फी कैमरा होता है, लेकिन उसमें आपको जो है वो ज़्यादा सेटिंग्स देखने को नहीं मिलते हैं जिससे आप ये काम कर सके। इसके लिए आपको एक जो है थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी आपको मैं आज के इस वीडियो में आपको एक ऐप बताऊंगा जिससे आप ये सारा काम कर सकते हैं और आप अपने टिकटॉक वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला, तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो। तो गाइस सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं नेट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके सो ऑल राइट गाइस, इस ऐप का नाम है दोस्तों ओपन कैमरा। आपको इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, और ये एक जो है वो लेजेंडरी कैमरा दोस्तों इसको बोला भी जाता है, और ये जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। इससे जो बहुत लोग जो है वो जो प्रोफेशनली जो वीडियो इससे शूट कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे कि जो ये जो कैमरा है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए है। तो फटाफट से इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। मैं अभी यहाँ पर आपको लैंडस्केप मोड में बता रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लैंडस्केप मोड में कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह करने हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए क्या करना होता है। ये मेरा हैंड है, आप लोग देख पा रहे हो अभी पूरा ब्लर है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कि मेरा हाथ जो है वो पूरा यहाँ पे फोकस में आ गया, और उसके बाद पीछे का आप लोग देख पा रहे कि पूरा सिनेरियो जो है वो पूरा ब्लर हो चुका है, और आप लोग देख पा रहे कि काफ़ी प्रोफेशनली लग रहा है। और आप इस तरीके से जो है वो पोर्ट्रेट मोड में खुद को भी दोस्तों यहाँ पर से जो है आप वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो पे प्ले करना है और बगल में साउंड बजा करके आपको जो है टिकटॉक वीडियो शूट कर लेना, और फिर उसके बाद जो है आपको टिकटॉक पे मैच करके जो अपलोड कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड पीछे का ब्लर हो चुका है। उसके बाद आपको इसको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना। मैंने आपको जैसे बोला था कि थोड़ा बहुत सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे फोकस को लॉक कर देना होगा। तो ये फोकस आपका लॉक हो गया, उसके बाद ये फोकस जो कहीं नहीं जाएगा। आप इस तरीके से सामने में भी खड़े रहेंगे तो आपका जो है पूरा जो है जैसे नहीं आपका फेस और आपका बॉडी जो है वो पूरा एकदम क्लियर फोकस में रहेगा, और पीछे का जितना भी सीन है वो पूरा ब्लर हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे कि काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पर देखने में, तो आप लोग देख पा रहे कि काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों आप लोग को सिंपली जो यहाँ पर वीडियो शूट के ऊपर क्लिक कर देना, और आपका वीडियो जो यहाँ पे से शूट हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे यहाँ पे मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। दैट्स जस्ट बिकॉज इसलिए मेरा यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देख पा रहे हो काफ़ी सही दोस्तों आपको लग रहा है, मैं किधर भी हिलाऊंगा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और पीछे का आप लोग देख पा रहे हो कि काफ़ी प्रोफेशनली DSLR टाइप आपको ब्लर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस तरीके से जो आप प्रोफेशनली जो अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, चाहे आप पोर्ट्रेट मोड में कहें, चाहे आप लैंडस्केप मोड में कहें, चाहे आप यूट्यूब वीडियो के लिए करें, चाहे आप टिकटॉक वीडियो के लिए करें, आप बड़ी आसानी से आप जो है अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, मेरा हैंड पूरा फोकस में आया है। बस आपको ओपन करना है और आपको अलाउ करते चलना है, उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको फोकस को लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर आपको फोकस को लॉक कर देना है, और आपका आपके अगर हैंड पे आपके फेस पे आपके बॉडी पे फोकस हो जाएगा, और पीछे का सारा जो है वो आपका ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप प्रोफेशनली ब्लर कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने दोस्तों जो आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस सर बस आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना, और कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट में बोल देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। सो गाइस सर मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।